नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं आपके लिए आज ना बहुत ही प्यारी सी कविता बताने जा रहा हूँ। ये तरुण समूह के लिए है। किसके लिए? तरुण समूह के लिए। देखो मैंने लिखा भी है, ठीक है ना। इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता का शीर्षक है मैं गांधी बन जाऊं। तो देखो कविता हम पढ़ते हैं, ठीक है। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ कर रघुपति राघव गाऊं। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ कर रघुपति राघव गाऊं। तो बेटा ये रघुपति राघव क्या है? तो रघुपति राघव एक भजन है जो महात्मा गांधी जी गाते थे। कौन गाता था? महात्मा गांधी। कैसा है वो तो सुनिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो प्यारे बच्चों ये महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन था, है ना। चलिए तो अपन इस कविता को पढ़ते हैं। अब सुनिए पूरी कविता अच्छे से। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ कर रघुपति राघव गाऊं। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मुझे रुई की पौनी दे दे, टकली खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। प्यारे बच्चों ये छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है मैं गांधी बन जाऊं, ठीक है ना। तो ये तरुण समूह के बच्चों के लिए है। तो ये आपकी जो किताब है, इस किताब में पेज नंबर आपके 102, ये देखिए पेज नंबर 102 पर ये बेटा आपका अभ्यास दिया गया है, अभ्यास 126, जिसमें लिखा है कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। लिखा है मुझे खालिस्तान पौनी दे दे, तकली खालिस्तान, माँ खादी की खालिस्तान, मैं खालिस्तान बन खालिस्तान, है ना। तो ये दिए गए हैं। तो देखो बेटा ये अभ्यास मैंने यहाँ लिखा है, अभ्यास 126 पेज नंबर 102। तो ये है ना कविता की पंक्ति हमें पूरी करनी है ना। तो आप देखिए ये कविता की लाइन है यहाँ बनाई। क्या लिखा है? मुझे खालिस्तान पौनी दे दे। कहाँ लिखा है? मुझे खालिस्तान पौनी दे दे, ये लिखा ना। तो देखो ये मुझे मिल गया और क्या पौनी दे दे मिल गया, मिल गया ना। तो क्या बचा भाई? ये बचा है यानी हमें ये खाली जगह पे लिखना है क्या? रुई की। तो ये बेटा हमने लिख दिया रुई की, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लिखा है? तकली। तो देखो बेटा ये लिखा है तकली। उसके बाद क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, यानी ये खूब चलाऊं पूरी लाइन लिखना है, खूब चलाऊं, है ना। उसी के बाद देखो प्यारे बच्चों माँ खादी की, तो देखो माँ खादी की यहाँ तक लिखा है, चादर दे दे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? चादर दे दे, है ना। और फिर क्या लिखा है लास्ट में? मैं खालिस्तान बल खालिस्तान। तो मैं यहाँ पे क्या है बेटा? ये मैं है, क्या नहीं लिखा? ये नहीं लिखा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गांधी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? जाऊं, है ना। देखो बेटा कितना आसान था, यदि ये हमें कविता
इसमें लिखी होती तो हम इसको आसानी से पढ़ लेते, लेकिन ये कविता आपको कौन सी बुक में लिखी है? कक्षा दूसरी के पाठ नंबर 6 में ये कविता है। कौन सी? कक्षा दूसरी के पाठ नंबर 6 में ये कविता दी है, ठीक है ना? जब देख लिया ना, तो ये अभ्यास आप इस कविता के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अभ्यास 127 लिखा है, कविता में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो पहले ये कविता हमारे पास हो तब तो हम देखेंगे, छांटेंगे, है ना? पहले क्या था हमने, चंद्र, तो चंद्र क्या होता है, ये, और बिंदु यानी कि ये, यानी इस प्रकार से जो शब्द में लगा हो ना उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो हमें चंद्र बिंदु वाले शब्द को छांटना है। तो कविता की लाइन को पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। देखिए माँ, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखो ये चांद बना हुआ है और ये बिंदी लगी हुई है, यानी ये चंद्रबिंदु है ना? तो ये चंद्रबिंदु है तो ये हम लिखेंगे, है ना? खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। देखो ये चांद बना हुआ है और ये बिंदी लगी हुई है, यानी कि ये वाला शब्द हमें लिखना है, देखना है ना? इसी प्रकार से बेटा पूरी कविता आप ढूंढिए, उसमें आपको ये शब्द मिलेंगे। और ये क्या है आपका? ग्रह काल है, आपको पूरा करना है। फिर देखिए बेटा अभ्यास 128, कविता में आए ता वर्ण वाले शब्द छांट कर लिखिए। लिखा है ना, तो हमें ता वर्ण वाले चाहिए, ता और कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए बेटा अपन शुरू करें, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। पहली लाइन में ता नहीं आया, दूसरी में देखो सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति, ये देखो ये ता आया, यानी कि ये वाला शब्द हमें लिखना है। क्या? हाँ, ये वाला शब्द हमें लिखना है, ता वर्ण वाली हमें शब्द लिखना है, ठीक है ना? तो ऐसे यहाँ आया, इसी प्रकार से आपको यहाँ और मिलेंगे ढूंढना, ठीक है ना? जैसे ये तकली है, तकली में देखो ता है ना, तो ये वाला शब्द हम लिखेंगे, लिखेंगे ना? तो इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। तो ये भी आपका ग्रहकार है, ये भी आपको करना है। चलिए अब अगला पेज भी आप देख लें। तो प्यारे बच्चों अगला पेज आप देखेंगे तो इसमें देखो ये आपके लिए फूल बना है, सॉरी आपका गमला बना हुआ है बहुत प्यारा सा, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं। देखो अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। तो देखो ये जो है, तो ये देखो उन्होंने डब्बा बना दिया है, डब्बे में आपको बताना है। तो कैसे? तो देखो बेटा यदि इस प्रकार के आपको बिंदी लगे शब्द मिलते हैं, है ना, इस प्रकार के बिंदी लगे मिलते हैं तो ये होते हैं अनुस्वार, है ना? जैसे इसका बताएं तो ये से गांधी लिखा है तो ये अनुस्वार का है, और यदि चांद की बिंदी वाला लिखा है तो वो क्या है? अनुनासिक है। तो अनुनासिक वाला कौन सा है? आऊं। क्या है? आऊं। तो देखो ये हमने लगा दिया ना, तो ये अनुनासिक है, ठीक है ना? तो ये वाला शब्द कहाँ लिखोगे आप? अनुस्वार में। और ये वाला शब्द कहाँ लिखोगे? हैं अनुनासिक में, ठीक है ना? तो ये अलग अलग आपको ऐसा डब्बा बना करके नोट करना है, ठीक है प्यारे बच्चों? बनेगा ना, सरल है, कोई कठिन नहीं है, है ना? तो मैं ऐसा करता हूँ, ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो इसी के आधार पर ये दोनों पेजों की अभ्यास आपके लिए दिए गए थे, है ना? इसको मैंने करवा दिया है, इसके बाद वाला अभ्यास मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ये भी बहुत ही प्यारी कविता है। आज के लिए इतना ही, आप मुझे बता दीजिए। नमस्कार।